चल गई। आपका विद्यालय प्रशासन के द्वारा मैं मंच होने के नाते आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा महोदय। जैसा कि हम सभी को विदित है, COVID-19 के बाद हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो रूटीन से बाहर हो गई है। तो ये हमारा स्कूल लेवल पर बच्चे जो आप देख रहे हैं, स्कूल लेवल पर हमारे पास क्या क्या यहाँ पर इंतजाम है उसकी एक रूपरेखा आप लोगों के सामने यहाँ से देखने को मिल रही है। बोलना भी क्या है हमारा ये प्रोग्राम 2-5 मिनट में माइंड अप होता है, उसके बाद आपकी जो पूरी टीम है क्या हो गया इसको आप सभी हमारे बच्चों को बताएं। ये कौन सा पेशेंट है? भूकंप वाला पेशेंट है? क्या क्या इंतजाम होते हैं, कैसे कैसे हमने बचना है, ये सारी आप 3 मिनट बच्चों को बताएं। तब तक 2-4 मिनट के लिए बच्चे अपना जो जिनका प्रैक्टिकल होता है, हेल्थ केयर वाले हैं बच्चे, सिक्योरिटी वाले बच्चे हैं, ये हमारे टीम है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसमें अग्रणी रहते हैं हमारे अध्यापक साथी और विद्यार्थी भी आप लोगों के साथ होते हैं। तो अपनी अपनी टीम बना के चले, अपनी टीम पहचान के चले, अपना काम देख के चले। तो आप सभी लोगों का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। मैडम को ये बच्चे भूकंप से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, ये बच्चे इस मॉक ड्रिल के थ्रू शो कर रहे हैं। सर्वप्रथम इन्होंने बीपी चेक किया, उसके बाद कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पहले
हमारे सास मैम है थल्स करके, तो ये सुनिए मेरी बात। सर ये हमारी टीम बैठी हुई है, तो जो हेल्प आपको बता रहे थे ये एलोकेट करेंगे, फर्स्ट एड कैसे दी जाए। सबसे पहले जब पेशेंट आया तो देखा कि क्या हुआ है, तो ये इसको जैसे सिर में चोट लगी हुई है, तो फर्स्ट एड उन्होंने बैंडेज की है, सिर पे पट्टी की है, कि कैसे कैसे हमने पट्टी करनी है। तो बच्चों के द्वारा दिखाया जा रहा है कि कैसे हमने पेशेंट को सबसे पहले हैंडल करना है, जब तक कि हम उसको आगे फर्दर इसमें इसको शिफ्ट ना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बच्चों के लिए प्रशिक्षण है, आप अपनी तैयारी बना ले। और ये बच्चे जिन्होंने अपना बढ़िया एफर्ट दिए है, सभी बच्चे आए हैं, भगदड़ नहीं मची है, वो बच्चे भी सब बधाई के पात्र हैं। सभी स्टाफ और उनके विशेष जो मुखिया है श्री राजेश कुमार जी, कि आप अपनी आगे की जो गतिविधि है वो हमारे बच्चों को सिखलाएं। श्री राजेश कुमार जी और उनके सहयोगी आप मान सकते हैं। तो ये है आपका क्रेडल मेथड, परंतु ये एक मेथड जो है 10 से 15 साल के बच्चों के लिए होता है। सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कि बैसाखी का सहारा देना, जिस तरह बैसाखी नहीं बनाते हैं उस तरह का सहारा देना है। अगर उसकी टांग में चोट है तो उसकी टांग को क्या करेंगे, हम अपनी टांग पे रख देंगे, और उससे क्या है कि उसकी जो टांग है अपनी टांग के साथ हम क्या कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, और उसको हमने सहारा देना है ताकि उसकी टांग में और ज्यादा जख्म ना हो और उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाना है। तो अगला है ह्यूमन क्रश। इस स्थिति द्वारा हम क्या है कि पेशेंट को यानी घायल को देना एक जगह से दूसरी जगह यानी कि सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है पी के बैग। तो मैम बाद में निकाल नीचे से बांध, इससे हम क्या है कि जो हमारी बेटी होती है उसको सुरक्षित जगह से ले जा सकते हैं। अगला क्या है, अब पीके बैग में भी आपने आप लोगों ने क्या देखना है, अगर हम इसी तरह क्या है अगर इस विधि में क्या है बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हो सकता है कि उसके पेट में अगर चोट है तो क्या इस तरह क्या करेंगे हम कैजुअल्टी को सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। ये तो हमारा जो सिंगल रेस्क्यूअर होता है और सिंगल कैजुअल्टी होती है तो उसके लिए होता है, परंतु आगे टू हैंडेड शीट में क्या करना है हमने कि उसकी एक टांग क्या हुई है, फ्रैक्चर हुई है, हमारे पास कैजुअल्टी सिंगल है और रेस्क्यूअर हमारे पास दो है। ये है टू हैंडेड शीट, इस तरह भी हम कैजुअल्टी को क्या है आसानी से जो ना सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। इसके बाद थ्री हैंडेड शीट, इसका क्या है कि एक टांग में चोट है तो उस टांग को भी हमने क्या करना है बच्चों, हम कोई डॉक्टर या
इस तरह का चाहूँ इनको इलाज से निकल सकते हैं, पर फर्स्ट एड के तौर पर दिया है कि अगर हम उसको इस तरह उसकी टांग फ्रैक्चर है और हम इस तरह इसको ले जा सकते हैं, तो इससे क्या है कि उसको अधिक नुकसान नहीं हो। जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं है तो इसका नाम क्या है कि इस तरह की अपना ले लो इस विधि द्वारा भी लेशिंग जो हमारे पास स्ट्रेचर, अगर हमारे पास स्ट्रेचर मौजूद है और हमने उसकी लेशिंग करनी है और हमने हाई बिल्डिंग से क्या है उसका रेस्क्यू करना है, तो हम कि अगर हम स्ट्रेचर लेशिंग सही प्रकार से नहीं करेंगे तो हमारी जो कैजुअलिटी है, पहले तो उसकी एक ही टांग टूटी है, पर अगर घेर देंगे ना उसको तो दूसरी टांग भी टूटेगी उसकी, अगर कहीं घेर दिया तो उसको देखना है। आपने ध्यान से देखते रहो, जिन बच्चों को आगे दिखाई दे रहा है बाद में आपको लोगों को दिखा देंगे, ये जिनको दिखाई दे रहा है वो ध्यान से देखें कि हमने स्ट्रेचर को किस प्रकार बना, इसकी लेशिंग करनी है और कैजुअलिटी को हमने किस प्रकार जो ना सुरक्षित जो ना नीचे उतारना है, तो उसके लिए हमें इस तरह की जो ना हमारे को लेशिंग करनी पड़ेगी। वीडियो बंट मंडी देखो मंडी का इधर से नीचे रख दो जरूरत ऊपर मत सर बता मुझे सर गर्मी लग रही है ना, कोई नहीं थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा गाठों का भी पता होना चाहिए ना, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अभी ऊपर से कैसे मत उतार लो। अच्छा हाइट से अच्छा ये बिल्कुल पूरी तरह से इंटैक्ट है अभी स्ट्रेचर के अंदर। तो स्ट्रेचर लेसिंग कर चुके हैं, इसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ रस्ता होता है उसको हम कहाँ डाल देंगे, उसको सिराने में डाल देंगे ताकि कैजुअलिटी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर हम रस्ते को खुला छोड़ते हैं तो क्या है रास्ते में वो फंस भी सकता है और हमारी कैजुअलिटी गिर भी सकती है। ज्यादा हाइट दे दिया हमने इसकी। विधि में क्या है कि हमारे पास क्या है, अभी बच्चों अभी अभी हम ले जा सकते हैं, अगर हमने कैजुअलिटी को खुली मंजिल से नीचे उतारना है तो उसकी इसके माध्यम से हम उसको भी उतार सकते हैं, और जो हमने लेशिंग की है वो इस हिसाब से की हुई है कि अगर हमने नीचे जब सीढ़ियों में उतरना है तो हम दो आदमी पकड़ो, दो आदमी नीचे बीमार है, बीमार वो है, सुन रहा है ना,
जो कैजुअलिटी की जो नर्सिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी पड़ेगी। इसके इसके बाद आपको जो बताया जाए ठीक है, क्या हमारे पास ग्लास इसमें चार रेस्क्यूअर काम करेंगे, अप पे चलो अप अप। तो इस विधि द्वारा भी हम क्या है अपना अपना वो ले लो इस विधि द्वारा भी लेशिंग जो हमारे पास स्ट्रेचर, अगर हमारे पास स्ट्रेचर मौजूद है और हमने उसकी लेशिंग करनी है और हमने हाई बिल्डिंग से क्या है उसका रेस्क्यू करना है, तो हम कि अगर हम स्ट्रेचर लेशिंग सही प्रकार से नहीं करेंगे तो हमारी जो कैजुअलिटी है पहले तो उसकी एक ही टांग टूटी है, पर अगर घेर देंगे ना उसको तो दूसरी टांग भी टूटेगी उसकी, अगर कहीं घेर दिया तो उसको देखना है। आपने ध्यान से देखते रहो जिन बच्चों को आगे दिखाई दे रहा है, बाद में आपको लोगों को दिखा देंगे कि जिनको दिखाई दे रहा है वो ध्यान से देखें कि हमने स्ट्रेचर को किस प्रकार जो ना इसकी लेशिंग करनी है और कैजुअलिटी को हमने किस प्रकार जो ना सुरक्षित जो ना नीचे उतारना है, तो उसके लिए हमें किस तरह की जो ना हमारे को लेशिंग करनी पड़ेगी। वीडियो बन बंडी देखो बंडी साहब इधर से नीचे रख दो ऊपर गर्मी लग रही है ना कल कोई नहीं थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा गाठों का भी पता होना चाहिए ना, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, अभी ऊपर से ऐसे मत उतार लो। अच्छा हाइट से ना, अच्छा ये बिल्कुल पूरी तरह से इंटैक्ट है अभी स्ट्रेचर के अंदर। तो स्ट्रेचर लेशिंग कर चुके हैं, इसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ रद्दा होता है उसको हम कहाँ डाल देंगे, उसको सिराने में डाल देंगे ताकि कैजुअलिटी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर हम रस्ते को खुला छोड़ते हैं तो क्या है रास्ते में वो फंस भी सकता है और हमारी कैजुअलिटी गिर भी सकती है। ज्यादा हाइट दे दिया हमने इसकी, विधि में क्या है कि हमारे पास क्या है अभी बच्चों
अभी अभी हम ले जा सकते हैं। अगर हमने कैजुअल्टी को ऊपरली मंजिल से नीचे उतारना है तो उस इसके माध्यम से हम उसको भी उतार सकते हैं। और जो हमने लेशिंग की है वो इस हिसाब से की हुई है कि अगर हमने नीचे जब सीढ़ियों में उतरना है तो हम दो आदमी पकड़ो, दो आदमी हमारे को जो कैजुअलिटी की जो लेशिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी पड़ेगी। इसके इसके बाद आपको जो बताया जाए ठीक है, हमारे पास ग्लास इसमें चार रेस्क्यूअर काम करेंगे। अप पे चलो, अप अप। तो इस विधि द्वारा भी हम क्या है